नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। फाइनेंस बिजनेस के बारे में जबरदस्त तो बातें हमारी चल रही है, और मैं आपको बताऊं कि फाइनेंस बिजनेस रियल भी है और डायरेक्ट बिजनेस भी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको आज 5 पॉइंट बताने वाला हूं जो कि फाइनेंस बिजनेस के रियलिटी, सक्सेस और कनेक्शन को जरूर बताने वाला है। पहला पॉइंट है कि मनी एक ऐसा जोकर है जो हर जगह पे काम आ जाता है। इसका मतलब ये कि हर जगह पैसा डायरेक्ट हमारी मदद कर सकता है। इसी कारण इकोनॉमी में पैसे और फाइनेंस हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरत है, और जिसके लिए जो भी फाइनेंस बिजनेस कर रहे हैं वो ये जानते हैं कि मनी से बेहतर मीडियम कोई भी नहीं है, मनी से बेहतर एक्सचेंज का टर्म्स कोई भी नहीं है। इसी कारण फाइनेंस बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है। इसको कंसिडर करने की जरूरत है, ना कि डरने की जरूरत है। अगर आप फाइनेंस का बिजनेस करते हैं और आपको लगता है कि लॉ रूल्स रेगुलेशन कहीं पे प्रॉब्लम कर रहा है, लॉ रूल्स रेगुलेशन होता क्या है, आप आराम से सीख सकते हैं, सही कंसल्टेंट के पास जा सकते हैं, अच्छे वीडियोस देख सकते हैं, हर जगह जानकारी अभी अवेलेबल है। लेकिन आपको चाहिए कि आप इसको समझें कि ये फाइनेंस बिजनेस सबसे जबरदस्त, सबसे बढ़िया और सबसे पॉसिबल बिजनेस है। दूसरा पॉइंट है कि फाइनेंस का जो जरूरत है ये एकदम 100% रियल जरूरत है, चाहे वो शादी के लिए हो, चाहे एजुकेशन के लिए हो, चाहे गाड़ी के लिए हो या बिजनेस के लिए हो। और क्योंकि ये रियल है, इसी कारण ये बिजनेस हमेशा चलने वाला है, और ये जो रियलिटी है ये कभी खत्म नहीं होने वाली। बिजनेस अनंत काल तक चलेगा, जैसे हॉस्पिटल और मेडिसिन का बिजनेस हमेशा चलेगा, वैसे ही फाइनेंस का बिजनेस हमेशा चलेगा। क्योंकि पैसे की जरूरत हम लोगों को अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जाती है एज ए फाइनेंस बिजनेस ओनर, राइट। तीसरा पॉइंट ये कि फाइनेंस के कारण आप रियल बिजनेस रिलेशन मेंटेन कर पाते हैं। मैं आपको बताऊं कि जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो फाइनेंस करवाते हैं किसी ना किसी का, वो हमेशा क्लाइंट के साथ में ज्यादा डियर रहते हैं। क्लाइंट को अच्छा लगता है क्योंकि उसने उसके बिजनेस करने के लिए पैसे उनको दिलवाए, ना कि बाद में ऑडिट करने के लिए वो उनके पास में पहुंचे। इसका मतलब ये कि जब उनको एक्चुअल जरूरत थी, जिस बिजनेस को स्टैब्लिश करना था, तब वो सीए ने हेल्प किया। उसी तरीके से कोई भी फाइनेंस बिजनेस वाला होगा, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस हो, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे डीएसए हो या साहूकारी हो, या फिर कोई अनरेगुलेटेड बंदा भी हो जो कहीं पे लाइसेंस नहीं लिया है लेकिन आज वो फाइनेंस कर रहा है, एक तरीके से वो डायरेक्टली उनकी जरूरतों को मीट आउट कर रहा है। किसी भी तरीके से यहाँ पे एक्चुअल रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। अब ये रिलेशनशिप सही बने, ये हमारे फाइनेंस बिजनेस की ड्यूटी है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे डर का नाता बनाएंगे तो फिर ये रिलेशन टिकेगा नहीं, और हमको भी डर रहेगा। कभी भी आप देखिएगा, किसी को डरा कर देखिए, आपको लगेगा कि मुझे भी डर लग रहा है कभी कोई अगर मुझे नहीं दिया तो, क्योंकि आपके अंदर एग्रेशन है, तो आप फील करते हो कि मैंने जो एग्रेशन सामने वाले के अंदर फील अप किया वही मुझे भी रिवर्ट होगा। और एक्चुअल में क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं पे हम लोग को रिलेशन को भी देखना पड़ेगा। ये पूरा ह्यूमन बिजनेस है, एक्चुअली मैं बता दूं इनह्यूमन बिजनेस नहीं है, ऑनलाइन वाला फंडा नहीं है। इसी कारण इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाले में लोगों को लगता कि किसी ने डिजिटल वादा किया, हमने एक्चुअल पैसे दे दिए, उसके बाद वो हमको रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है। कारण क्या है? क्योंकि आपने यहाँ पर ह्यूमन रिलेशन के ऊपर कोई बात नहीं किया, यहाँ पर किसी ने किसी से मुलाकात नहीं की, केवल वो ऑनलाइन में बह गए और उनके पैसे डूब गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक्चुअल रिलेशन है, यहाँ पर प्लीज रिलेशनशिप मेंटेन करिए। रिलेशनशिप मेंटेन करने का मतलब ये नहीं कि उनके घर में जाकर चाय पियो, हाँ ये हो भी सकता है, आप ऐसा कर भी सकते हो, लेकिन सबको इंसान आप समझो, वैसा ट्रीटमेंट करो पैसा देने से पहले भी, पैसा लेते समय भी, और पैसा चुका जाने के बाद भी, ताकि आपको वो खुद भी याद रखे और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट भी करे, राइट। चौथा महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आपने फाइनेंस का बिजनेस खोला है तो आपका सिस्टम राइट होना चाहिए, सिस्टम और प्रोसेसेस क्लियर होने चाहिए, प्रोसेसेस डिटरमाइंड होने चाहिए, और ये डिटरमाइंड प्रोसेस के कारण लोग आपको ज्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे और ज्यादा आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। लोगों को लगता है कि मैं ज्यादा सिस्टम बनाऊंगा, पेपर लूंगा, तो फिर लोग चले जाएंगे। मैं आपको बताता हूं कि पूरी दुनिया आपकी कस्टमर नहीं है सर, केवल वो लोग हैं जो आपके जैसा सोच रखते हैं, वही आपसे कनेक्ट होंगे, तभी लॉन्ग टर्म में रहेंगे। अदरवाइज वो रहेंगे, आएंगे, फिर थोड़े दिन बाद चले जाएंगे। और बिल्कुल रिग्रेट मत करिएगा, क्योंकि आपके जैसे लोग ही आपके साथ जुड़ेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ेंगे। और कोशिश करिएगा कि बेहतरीन सिस्टम बनाएं, बेहतरीन ऑटोमेशन करें, और ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी रखें, ट्रांसपेरेंसी रखें, आपका बिजनेस शानदार चलेगा, मेरी गारंटी। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्रोसेस को ज्यादा वैल्यू दीजिए, रिजल्ट को नहीं। इसका मतलब ये कि अगर आप वसूली करने जाते हो, पैसा कैसे भी वसूल कर लो, ये रिजल्ट है, क्या उसने दिया क्यों नहीं, ये उससे एक बार बात करना, ये प्रोसेस है, उसके कारणों को समझना एक प्रोसेस है। हो सकता है कि वो कहीं सच बोल रहा होगा, कहीं झूठ बोल रहा होगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको सामने वाले को एक बार समझने का प्रयास करना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं आप समय दीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप उसको इंसान समझिए, प्रोसेस के बारे में उसको बताइए। जब आप फाइनेंस देने जाते हो उस समय भी उनको प्रोसेस के बारे में बताइए, प्रोसेस की जरूरतों को बताइए, और कनेक्ट रहने से फ्यूचर के फायदे क्या होंगे ये भी बताइए, और किसी भी तरीके से एजुकेट करिए कि फाइनेंस आपको दिया गया एक हेल्प है,
ना कि अनुदान है, ना कि आपका अधिकार है। और अगर ये अधिकार है तो अधिकार केवल आपके लिए कंपनी ने नहीं खोला है, अधिकार सारे लोगों के लिए। इसी कारण कभी भी प्रोसेस को आप प्लीज बाईपास मत करिए, ऐसा आप सामने वाले को भी बोलिए, ऐसा खुद भी करिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, ह्यूमन ग्राउंड जहां पर रहेगा ना, वहां कुछ ना कुछ प्रोसेस से ऊपर हो सकता है, वो है हेल्प। आप हेल्प करने का हमेशा प्रयास कर सकते हैं। फाइनेंस बिजनेस में ये एंगल बहुत मिसिंग है। जितने भी लोग अनरेगुलेटेड से रेगुलेटेड में आए, वो वैसा ही बिजनेस कर रहे हैं जैसा पहले कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ह्यूमन हो जाइए, लोग आपके साथ में बहुत कंफर्ट हो जाएंगे, आपको पैसे भी मिलने लगेंगे, आपका रिकवरी रेट भी ज्यादा हो जाएगा, आपका टेंशन भी कम रहेगा। क्यों? क्योंकि आप हमेशा टेंशन में रहे तो मैंने पैसा दिया है, अब मुझे वसूल करना, और ये लाइफ चलता रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ते रहेंगे। लोग यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस बिजनेस में सक्सेस बहुत आसान है, लेकिन ये 5 स्टेप को सोचना और फॉलो करना थोड़ा सा प्रैक्टिस वाली बात है। तो मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस का ट्रेनिंग भी हमारा चालू हो रहा है एनबीएफसी आरबीआई का, और उसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानकारी भी हम लोग इनकॉर्पोरेट करने वाले, ताकि आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके। और ये जबरदस्त 6.5 महीने के प्रोग्राम के लिए आप जानकारी ले सकते हैं दिए गए नंबर पे। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बनी रहिए मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।